Yes, good morning everyone. कल अपा कर रहे सी कविता नवी पुरानी तहजीब कवि विधाता सिंह पीर। ठीक है, सो अपा कल पढ़ रहे सी गे कि किस तरह नवी पुरानी सभ्यता दे विच बदलाव आ रहा। ठीक है, कवि ने कहा सीगा कि जड़ा पानी है वो एक बारी चला जाता है तो वापिस किनारे ते नहीं आता। इस तरह ही जड़ी एक बारी बंदे दी जवानी है वो वापिस नहीं आती। इसलिए सानू समय की जड़ी है कदर करनी चाहिए। फिर उन्हें क्या सगा कि ठीक है ते जड़ियां पुरानियां जिन्नियां भी रीति रिवाज सी उन्होंने आप छड़ के आप नवी सोच अपना रहे हाँ, जबकि ओदे नाल की है असी चंगियां चीजा नू छड़ दिंदे हाँ ते माड़ियां चीजा नू अपना लैंदे। जिस तरह लिखा सी ना अपना सभ्याचार भुलते जा रहे हाँ, असी अकल गवा ली हुई अपनी, चाहे अपन नवी तहजीब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, हाँ पश्चिमी सभ्याचार नू फॉलो करते हाँ, भारतीय सभ्याचार नू अपा बिल्कुल भूल चुके हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ दूध पीना छड़ दिता अपा, जिहड़ा जंक फूड वगैरह खाना शुरू कर दिता। जिहड़ी पवित्र धरती सी ऋषियां मुनियां दी धरती सी, उत्थे की सीगा पछमी सभ्यता ने आके जगह ले ली है। ठीक है, फिर उस तो बाद अंग्रेजा दी चंगियां गल्लां नूं छड़ के माड़ियां गल्लां नूं अपना रहे हाँ। ठीक है, कंपेयर किया है कि असि माड़िया चीजा अपनाई जा रहे हैं, चंगिया चीजा छड़ी जा रहे हैं। फिर उन्होंने अंग्रेजा की गल की सी कि अंग्रेज सिर्फ साडे भारत विच व्यापार करन आए सी, जबकि वो इत्थे ही कब्जा करके बैठ गए ते भारत का जिन्ना भी साउपुणा सी इन्हां दीआं चंगिया चीजा सी उन्हें सब कुछ खत्म कर दिता, अपनी उन्हें सभ्यता इत्थे अपनी सभ्यता नूं अप्लाई कर दिता। ठीक है, इत्थों तक आपां रीड कीता सी। नेक्स्ट पैरा, जो अज तीक नहीं आखी वो आखी जानी है, वो दुध सी बरकत दा ए फुटदा पानी है। मतलब हुण कवि की कह रहा, जो अज तक नहीं सी कहा कि पुरानी ते नवी सभ्यता दे विच की फर्क है, वो गल मैं अज कहन जा रहा हाँ। वो दुध सी बरकत दा, मतलब बरकत किनू कहंदे आ, बरकत तरक्की वाला। बरकत हुंदा आ कि किसी ना किसी चीज विच वाधा होई जाना, जिदा आप कहने ना कि ओदे घर विच बड़ी ज्यादा बरकत है, ओदे घर विच हर एक चीज का वाधा है, ओनू घाटा कदी नहीं हुंदा। ठीक है, सो पहला दा जिहड़ा पुराना सभ्याचार सी उत्थे बरकत सीगी। किदां बरकत सी, देखो पहला सैलरी किन्नी घट सी लोगों की, है ना, 100 रुपए विच सी। अज लखां रुपए विच वी तुहाडी सैलरी होवे तुसी सैटिस्फाई होवोगे? नहीं होंगे। हुण एग्जाम्पल ही ले लो, पहला बच्चों की पॉकेट मनी किन्नी हुंदी सीगी, 5 रुपए, 10 रुपए, हफ्ते के 10 रुपए हार्डली। अजकल तुहानू इन्ने पैसे दिते जाण, तुसी अपने पेरेंट्स नूं कहोगे 10 रुपया दा आंदा की है, इन्नी घट पॉकेट मनी है ना। ते हुण की सी, पहला की सी, हर एक चीज विच बरकत सी, हर एक चीज विच वाधा हुंदा सी। ठीक है, पर अज की है, ये फुट दा पानी है। फुट किहनूं कहिंदे ने, खराब हो जाणा, लड़ाई। पहला इहदे गल दा मतलब है कि पहला हर पासे बरकत सी, भाईचारा सी, आपस विच प्यार सी, पर अजकल की है, अनेकता है, लड़ाई है। अजकल भाई भाई दे विचकार भी लड़ाई हो रही है जमीन जायदाद नूं लैके। बरकत वाधा, ओ जीवन देंदी सी, ए जीवन लैंदी है। हुण उहनां दोनां नूं कंपेयर कीता है वाले पैरे च, ओ जीवन देंदी सी कौन, पुराणी सभ्यता तुहानूं जीवन जांच सिखांदी सी। अजकल तुसीं जीवन जांच नूं सीखते हो, पर यह जरूरी नहीं है कि पोएम हर एक 100% परसन से लागू होती है, कुछ से लागू होती है, उसकी अपनी सोच है कवि की। ठीक है, मतलब की है, जिहड़ी पुरानी सभ्यता है वह जीवन देती सी, सानू जीवन जांच सिखाती सी, जीवन का ढंग, आपां किद्दां किसी नाल गल करनी है। अजकल गल करना बहुत घट लोगों नूं आंदा, नहीं गल करना की बैठना ही नहीं आंदा लोगों नूं। ठीक है, सो क्लास में थोड़ा सही तरीके से बैठा करो, यू आर अ स्टूडेंट, बिहेव लाइक दैट, ओके, प्रॉपरली बैठा करो, एक्टिव हो तुसी। अपने लिए ही समय निकलता
बिल्कुल अजकल लोग इन्ने ज्यादा सैल्फिश हो गए हैं, एक दूसरे लिए तुसी काम कर सकते हो, बहुत रेयर होंगे लोग जो एक दूसरे लिए काम करते हैं, अगर काम भी करते हैं तो वो विच भी अपना मतलब ही करते हैं ना कि मैं तेरे ते एक काम कर लिया, अच्छा तू मेरा ये वाला काम कर दी, हाँ एहसान भी करते हैं, उन्हों सुनाते ही रहते हैं, मैं ना तेरा ये वाला काम किया तेन याद है ना, हूं तू मेरा भी ये काम करी, ऐसा ही है सच्ची रियलिटी है। ठीक है, सो जीवन लेंदी है जिहड़ी नवीं सभ्यता है वह साडा सारा जीवन साडी सारी जीवन जांच उहनूं खत्म कर दिंदी है। पहला पहला की हुंदा सी, सवेरे उठो वड्डिआं दे पैरी हथ लाया जांदा सीगा, अजकल वड्डिआं दे पैरी हथ लाने की वड्डिआं नूं विश तक नहीं कीती जांदी है, नहीं हाँ सीरियसली इदां हुंदा, चाहे मैं क्यों ना होवां सवेरे उठना है सब तो पहला अखां भी नहीं खुलियां होंदियां, फोन हथ च हुंदा, हुंदा ही है सानू होंदा है कि आपां देखना होंदा है कि कोई बच्चे की कॉपी वगैरह या कुछ ना आया होवे, कोई है ना कोई मैसेज ना आया होवे, ऑफिशियल ना आया होवे, तानू कोई होर हुंदी है ना जरूरी गल, हर एक ने सोना भी है फोन सारे कुछ फोन ते ही हो गया, पेरेंट्स नू तां आपां बुलांदे ही नहीं हैगे। वेरी गुड, बहुत सोहनी गल आ, कुट मतलब लड़ाई, अजकल जिहड़ी सभ्यता है उन्हें लड़ाई पवाई हुई है हर घर विच, ठीक है भाई भाई दा आपस विच प्यार नहीं रहा, राइट ओके नेक्स्ट, ओ खाण नू दिंदी सी ए खाण नू पैंदी है, मतलब सभ्यता खाण नू नहीं दिंदी, ओदा मतलब ए है कि पहला लोग किसी आपस में मिलजुल के खाते है ना, हुंदा सीगा कि जिस तरह पिंडा विच अजकल भी उदा का माहौल देखने को मिलता है, एक घर ने चीज बनाई उन्होंने दूसरे घर विच तीसरे घर विच देन जानी, अजकल की है आपा की करते हैं कोई चीज लियांदी असीं अपने रूम विच बैठ के खा लैने, बैठते ही नहीं कोई भी, अपने अपने बिजी होंगे फटाफट रोटी खाधी चलो जी कमां ते चल गए इधर चल गए उधर चल गए। ठीक है, सो देखो पहला दा टाइम इदा दा सीगा कि मान लो कि अगर किसी लड़की का विआह है पहला पहला की हुंदा सीगा, अजकल देखो इन्ना टाइम भी नहीं हुंदा, पैलेस च आउंदे ने पैलेस च मुड़ जांदे ने, पहला पहला की हुंदा सीगा हफ्ता दस दस दिन जिहड़ी सीगी बरात, बरात समझते हो जिहड़े मुंडे वालिआं दे नाल आंदे ने ओह ना उत्थे रहिंदे हुंदे सीगे, तो उहनां दी पूरी खातरदारी कीती जांदी सी, और इह नहीं कि जिहड़े कुड़ी दा विआह है उही वाली फैमिली ने सारा कुछ करना है, बाकी दे जिन्ने आंढी गुआंढी है ना उहनां सारिआं ने, उहनां लई हुंदा सीगा कि धी सब दी सांझी है, अजकल की हुंदा है धी अपनी भी सांझी नहीं रह गई है ना, ठीक है ना, सो उदो हुंदा सीगा कि पिंड दी धी है मतलब सब दी धी है, तुहाडी धी साडी धी, तो सारे जने मिलके उदा जिन्ना भी काम सीगा जो भी खर्चा सी उह करदे सीगे, अजकल किसी नूं कोई दुख होवे गुआंढी तुहानूं आके कदी पुछणगे कि तुहानूं की होया है, नहीं उहनां नूं पता है कि तुसी अपना काम कर रहे हो अपना काम कर रहे हो, ठीक है मूड हुंदा है या तुसी नहीं बुलांदे ते फिर तुहानूं दूसरा भी नहीं बुलाएगा है ना, सो जिहड़ी पुरानी सभ्यता सीगी उहदे विच आराम नाल सारे आपस विच मिलजुल के खांदे सन वंड के खांदे सन, अजकल दी जिहड़ी सभ्यता है उहदे विच इह गल्लां नहीं रहियां, ओ बाह बणांदी सी इह बाहवां पंदी है, बाह बणांदी मतलब ओह सहारा दिंदी सी, हर एक परसन जिहड़ा है ओह एक दूसरे नाल मिलजुल के रहिंदा सी, एक दूसरे से ट्रस्ट करते, अजकल तुसी ट्रस्ट करोगे एक दूसरे से कल्ला ही कर देंगे, ठीक है ट्रस्ट तो रह ही नहीं गया, कई कई लोग होंगे जिन्हें विच आपस विच ट्रस्ट हले भी है बट मोस्टली ट्रस्ट जिहड़ा है वह नहीं किया जा सकता, ठीक है सो पहला की सीगा पुरानी सभ्यता दे विच हर कोई एक दूसरे का सहारा सी, दुख सुख दे समय हर कोई एक दूसरे दे नाल खड़ा होंदा सीगा, ठीक है अजकल तुसी देख लो पहला पहला अगर कोई डिग जांदा सी या बीमार हुंदा सीगा सारे उहदे आले दुआले हुंदे सी, अजकल रोड ते देख लो कोई बंदा डिग्गिया होवे उहदे आस पास कोई आऊगा वीडियो बनाउण लग पैंदे आ, आले दुआले फोटोआं खिंच खिंच के चल जांदे आ, ठीक है ना, हां जी ओह कल्ला हो गया सी, हां सांझी कंच भी आपां इही पहुंचिया, ठीक है मतलब की है कि अजकल जिहड़ा है सहारा बिलकुल भी नहीं है,
जे सहारा है जे तुहाडे नाल कोई खड़ा है तो ओदा कोई ना कोई मतलबीपन होएगा जरूर, ठीक है, लालच होएगा। ओके सो कोई भी तुहाडे नाल इदां ही नहीं खड़ा होएगा। अजकल जी आपां कहने ना कि सखे भरा भी होंदे ने जिहड़े, ओह भी एंड मोमेंट ते आके एक दूसरे दा साथ छड़ जांदे ने, रियलिटी है, ठीक है। कोई कोई हुंदा है कि जिहड़े मतलब के बहुत वधिया तरीके नाल रहिंदे ने, बट जदों उहनां दी फैमिली अगों जगों वधनी शुरू हो जांदी आ उह सारे अलग होने शुरू हो जांदे आ, ठीक है। ओ पोली पाली सी ए चंचल मन दी है, चंचल मीन्स क्योंकि आपा कीता होया ना मन चंचल है, चंचल मतलब भटकदा रहिंदा साडा मन। हुण देखो पहला पहला की सीगे लोकी की करदे सीगे, भोले भाले सन, ठीक है, एक दूसरे ते विश्वास करदे सन, एक दूसरे दी हेल्प करदे सीगे विदाउट एनी सेल्फिशनेस, सारा कुछ कर लेंदे सीगे ना, एक दूसरे दी हर तरीके दे नाल मदद करदे सीगे। अजकल की है लोकां दा मन चंचल है, चंचल मीन्स उहनां दा मन भटकदा रहिंदा है। एक दिन तुसी कह दोगे कि मैं आह चीज करनी है, दूसरे दिन तुसी अपनी गल तो मुकर जांदे हो तुसी आह चीज करनी है ना। ते एदा ही जिहड़े चंचल मन दे हुंदे ने उहनां ते लोकी इतबार नहीं करदे अपने स्वार्थ पिछे। हुण जे तुसी हो तुसी मैनूं कह दो कि मैं कल ये वाला काम करूंगा, अच्छा मैं थोड़े से ट्रस्ट कर लेना कि ठीक है बच्चे तुसी ये वाला काम कर लेना, नेक्स्ट डे तुसी मुकर जाओ, फिर मुकरी जाओ, फिर थोड़े तो कोई विश्वास थोड़ी करेगा। ये जेडी असी अपनी इमेज ना असी खुद खराब करते हैं, तो हाथ में होंगे तुसी अपनी इमेज किदां दी रखनी है, चंगी रखनी है कि माड़ी रखनी है, ठीक है। सो अजकल दी जेडी सभ्यता है जिन्ने भी मनुख ने वो चंचल मानते ने, सारे मतलबी हैं, अपना स्वार्थ कढ़दे हैं, ठीक है। ओ वीर मनांदी सी ये वीर लड़ांदी है। पहली सभ्यता दे विच भरावां विच आपस विच बहुत प्यार हुंदा सी, ठीक है, कजन्स वगैरह। अजकल तुहानू कजन्स दा इन्ना ज्यादा पता है, हुण हुण तां अगे जाके जो तुसी वड्डे होवोगे ना उदों कजन्स वगैरह नहीं, ये नहीं है कि चलो रब करे कजन्स पुछन इदां दी गल नहीं, पर कईआं विच की हुंदा है जिस तरह चाचे ताए दा रिश्ता सारे नूं अपने अपने सिर्फ भैण भरा दे नाल हुंदा है, बाकियां नूं तुसी हैलो हाय हुंदी है फोन ते हुंदी है, पर उह तुहाडा इन्ना थोड़ी ना साथ दिंदे है, नहीं दे सकदे, उहनां को भी उहनां दा भी अपना बिजी टाइम, तुहाडा भी अपना टाइम जिहड़ा बिजी है, ठीक है। सो पहलां दी सभ्यता दे विच भरावां भरावां विच आपस विच बहुत ज्यादा प्यार हुंदा सी, अजकल दी जिहड़ी सभ्यता है उहदे विच आपस विच भरावां भरावां विच भी प्यार नहीं होंदा, ठीक है, हमेशा उन्हां विच लड़ाई झगड़ा होंदी रहिंदी है। जमीन जायदाद नूं लै लो, जिस तरह आपां सांझी कंध पड़िया, चाचे दा पुत्तर सी, ठीक है, हरेक कोई जमीन जायदाद लई अपने सखियां नूं भी अजकल नहीं बख्शदा, राइट। ओ छावें सुटदी सी ये सुकणे पांदी है। छावें सुटदी सी, छां केड़ी, प्यार दी, मोहब्बत दी छां, इतबार दी, भरोसे दी, विश्वास दी छां, ठीक है। पहला सभ्यता विच छां सी, छां मतलब एक ऐदा दी छां जिथे तुसी निग मान सको, प्यार दा, विश्वास दी छां, ममता दी छां भी कह सकदे हो, ठीक है। ये सुकणे पांदी है, सुकणे मतलब लालच है, प्यार नहीं रह गया, आपस विच नफरत है, वंडियां पाईयां जांदियां ने, ईरखा है, ठीक है, दूर कीता जा रहा सब नूं। उस विच इक करदा सी सब टब्बर खांदा सी, सी बिल्कुल गुड राइट। पहला पहला की सीगा फैमिली दे विच उहदी सिर्फ एक परसन कमांदा सीगा, उहदी कमाई दे नाल ही सारा घर चलदा सी। अज कल फैमिली दे विच पंज मेंबर ने ते पंजो ही कमांदे आ, की गल तुहानूं लगदा है कि पंज दे पंज एक दूसरे नूं कुछ ना कुछ दिंदे होणगे, हर कोई अपनी सेविंग विच लगा हुंदा है, ठीक है ना। उही पहला जिहड़ा सीगा 100 दे विच सैलरी हुंदी सीगी तां वी उहनां दी सैटिस्फैक्शन हो जांदी सीगी, तां वी सेविंग्स हुंदियां सी। अज कल लखां रुपए हुंदे ने सैलरी हुंदी है, क्यों उजड़ जांदी, क्योंकि साडियां सैटिस्फैक्शन नहीं हुंदियां, असीं लालच करदे आ, साडियां डिमांड्स ही नहीं पूरियां हुंदियां, है ना। असीं की कहने आ, अच्छा चलो इन्नी सैलरी वधी
चलो आ लेने है ना। एक कार हैगी वाइफ ने जाना है ना, वो किदा जाएगी, चलो उन्होंने कार एक्टिवा लै दो, अगो दी बच्चे हो गए, बच्चों जी चलो एक्टिवा या स्कूटर या मोटरसाइकिल लै दो। साडियां जिहड़ियां डिमांड्स ने आप अपनी आप लाइफ न वधिया तरीके नाल करन दे लई, अपना लाइफ स्टाइल वधिया तरीके नाल जीउण लई असी जिन्नियां भी मर्जी अपनियां डिमांड्स वधांदे जांदे आ ओहदे नाल असी ही दुखी हुंदे आ। इच्छावां, हाँ जी गुड, इच्छावां कदी खत्म ही नहीं हुंदी एग्जैक्टली है ना। हर किसी की इच्छा है, थोड़ी इच्छा है, मेरी इच्छा है ना। ओ हुण लोकी कमांदे ज्यादा ने, पैसा है पर वह प्यार नहीं रह गया है ना। पहला पहला तुसी देखा होगा सत्थ शब्द सुने तुसी, सत्थ पिंड दी सांझी था, ओथे देखो आप पहला लोकी किदा दुख सुख विच बैठे होंदे सीगे, अजकल तुसी देख सकदे हो ना दुख सुख विच बैठना त्योहारां ते। हां अजकल हर एक अपना अपना त्योहार है, अपने घर ही मना लग पिया, किसी को टाइम ही नहीं हुंदा जान दा। अच्छा जे टाइम हुंदा भी है ते फिर दूसरा चंगी तरह ना वेलकम करेगा कि नहीं करेगा, ये भी सानू बहुत हुंदा है ना कि आप दूसरे के घर जावांगे उन्हूं डिस्टर्ब करांगे, इहदे नाल चंगा असी अपने घर ही दुख सुख सांझे करदे सीगे। एक परसन कमांदा सी तां सारे जने ओहदी ही कमाई ते संतुष्ट हुंदे सी, सैटिस्फाई हुंदे सीगे, संतुष्ट नहीं रहिंदे सी। समय आजादी दे हिंद ढोले गांदा सी, समय आजादी दे हिंद ढोले गांदा सी। पहला दे टाइम विच फ्रीडम सी, हुण तुसी कल क्या ठीक है कि अजकल दे टाइम विच फ्रीडम है, नो डाउट पहला पहला लेडीज नूं काम करन दी फ्रीडम नहीं सी हुंदी, मे बी उहनां दी कुछ सोच जिहड़ी है उदां दी होवे ठीक है, पर फिर भी आजादी हुंदी सीगी। किदां आजादी हुंदी सीगी, पहला पहला जिहड़ियां कुड़ियां सीगियां किते भी आ जा सकदियां सन, नो डाउट। अज आपां कह रहे हां कि अजकल विमन एम्पावरमेंट है ना, असीं कुड़ी नूं कहने हां कि तू घरों बाहर निकल, तुहानूं की लगदा लड़कियां सेफ हुंदियां नहीं हुंदियां? पहला पहला इदां दा कुछ नहीं सीगा, उह कहंदे सी ना कि एक दी कुड़ी है सारे पिंड दी कुड़ी है ना। अजकल उह चीज नहीं रह गई राइट, अजकल घरां दे विच वी कई इदां दे केसिस तुसीं सुने हुए ने ठीक है। सो फ्रीडम मिली है पर वो फ्रीडम नू गलत तरीके दे नाल यूज किया जा रहा है। अजकल बच्चियां नू भी फ्रीडम मिली, थानू भी फ्रीडम मिली हुई है सब कुछ करन दी, पर कई इदां दे ने हुण देखो ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम्पल लाइव ले लो, ऑनलाइन क्लासेस विच तुसी अपने पेरेंट्स दे अकॉर्डिंगली ऑनलाइन क्लास च बैठे हुए हो ठीक है, पर कई इदां दे ने उहनां नू इन्नी कु फ्रीडम मिल गई, पहला तुसी फोन तक यूज नहीं सी कर सकते, ऑनलाइन दे विच तुहानू अपने परसनल फोनस मिल गए, सब नू मिल गए है ना एक तरह नाल, ते कईयां नू मिल चुके आ 50% दा मिल गए सब नू है ना, चलो 30% भी लगा लो मिले हुए ने, थोड़ी क्लास की गल नहीं बाकी बच्चों की गल कर लैनी आ। ते ओ की करदे ने, ओ गेम खेलते रहिंदे ने, एदां दे केसेस मेरे को आए ने दो तीन जिहदे विच पेरेंट्स ने खुद कहा क्लास नहीं लगांदा ये काम करदा ये काम करदा, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਹਿੰਦ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ,
कोई काम ही नहीं होना, कलो नेट बंद हो गया, कोई काम नहीं होना, बड़े आराम ना सारे ने बैठे रहना, रियलिटी है। बेसिक नीड्स बन चुकिया, असि इन्हों तो बिना रह ही नहीं सकते, तो फिर आप की हाँ इन्होंने गुलामी तो हाँ ये चलेगी तो असं चलेंगे, एडिक्टेड हाँ टू मच एडिक्टेड हो चुके आप है ना। हम सपोज घर के काम ही ला लो, ठीक है, कपड़े धोने वाली मशीन आ गई, एक दिन लाइट नहीं गई, लाइट नहीं आई, हूँ मैं की करा, कपड़े हाथ ना धोवा, इन्ना औखा काम हो ठीक है, वो भी नहीं करना क्योंकि असि इन्ने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हुए हैं, असि मशीना के गुलाम बन गया, सानू आप मशीना नहीं चलाते, मशीना सानू चला रही ने। सो ये जरा टाइम है, नो डाउट आप कह रहे हैं कि असि आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पर असि आजाद हिंदुस्तान च नहीं रह रहे, असि गुलाम बन गए हैं, ठीक है, मशीना के गुलाम बन चुके हैं। हम किसी कंपनी के प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन देखो पहला किदा किदा हत्थां नाल होंदी सी, इन्ना लेबर, अजकल इंप्लॉयमेंट बहुत घट रह गई है, अनइंप्लॉयमेंट ज्यादा वध गई, क्यों, क्योंकि उतो मशीना ने ज्यादा थां ले ली है, हाँ जेड़ा काम, हाँ बिल्कुल, जेड़ा इन्ने लेबर्स करते सीगे वो वाला काम अजकल मशीना कर रही है, बंदे की जरूरत रह गई है, देखो एक काम बंदे ने करना, हाँ मशीना दा एक काम बंदे ने करना, बहुत उन्हें ध्यान नाल करना, नीट एंड क्लीन करना, एक मशीन ने काम करना, चाहे उन्हें नीट एंड क्लीन करता, पर जेड़ा ओदे विच एक बारी डिफॉल्ट पै गया, उन्हें तुसीं सही थोड़ी कर सकते हो, मैनुअली काम मैनुअली ही हुंदा है, ठीक है, ओके नेक्स्ट, हाँ बड़ी सफाई दे नाल काम करते हैं आपां, नेक्स्ट पैरा, इस विच मर मर के भी सब भुखे मरते हैं, मर मर के भी असि इन्नी मेहनत करते हाँ अपना फ्यूचर सिक्योर करन ले, पूरा हाँ पूरी मेहनत करते हैं, पूरे एफर्ट्स करते हाँ, उन तुहाडे पेरेंट्स ने तुहाडे लिए पूरी एफर्ट करते ने, सवेर तो लैके शाम तक लगे रहते ने, है ना, फिर भी असि सैटिस्फाई नहीं है, सानू लगता है कि आप कर के रहे हैं, बस वही हैंड एंड माउथ का काम हो गया, खाना पीना बस पूरिया ही नहीं होंदिया साड़ी इच्छावां, आप फिर भी कहने कि कुछ ना कुछ लाइफ में इनकम्प्लीट है, साड़ी लाइफ अल्ले कंप्लीट है ही नहीं, तुसी खुश हुंदे हो कभी, इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता, असी किसी नूं खुश कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते असी, पर जिदन तुसी अपनिया डिमांड्स ते कंट्रोल कर लिया उदन तुसी दुनिया के सब तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, हाँ यू कैन से, ठीक है, खुश इंसान होवांगे। हुण कई पर्सन देखो तुसी ओ की करदे ने, उहनां कोल जिन्ना हुंदा आ ओ उहदे विच ही खुश रहिंदे ने, है ना, ते कई हुंदे ने जिन्हां कोल इन्ना सब कुछ आ जांदा ओ तां वी खुश नहीं रहिंदे, जिहड़े ज्यादा जिन्हां कोल पैसा आंदा ओ भी मनो थोड़ी हुंदे, ओ तुहानूं की लगदा उहदे कोल बहुत ज्यादा पैसा होगा बहुत ज्यादा खुश होगा, नहीं, ओदे कोल मन दी शांति नहीं हुंदी, ओहनूं लगदा रहिंदा कि मैं हुण ज्यादा पैसा किद्दां कमावां, होर ज्यादा पैसा किद्दां कमावां, हाँ फिर पैसा कमाण दे चक्कर विच अपनी फैमिली नूं छड्ड दिंदे ने, कई वारी दूर चले जांदे ने फैमिली तो, ठीक है, उहनां दा नुकसान हुंदा है, क्लियर है, होके दिन रात भरन पर पेट ना भरदे हन, होके मतलब ओह दिन रात मेहनत करदे आ, होके भरदे रहिंदे आ, हुण कई वारी देखो लोकी अब्रॉड जांदे ने, अब्रॉड कई तां खुशी विच जांदे ने ना, कई खुशी विच नहीं जांदे, है ना, उन्होंने होंगे कि असं अपनी फैमिली पिछों की देखना है, उन्हों का पेट पालना है, तो उत्थे की करते हैं उन्होंने दिन रात मजदूरी करनी पैंदी है, कैनेडा या अमेरिका कैनेडा होंगे, पर जो बंदा उत्थे रह रहा होंगे ना उन्होंने पता होंगे, वो वाला बंदा जिहड़ा उत्थे जाके लेबर करता है ना, तो वह की करता दिन रात बेचारा लगा रहा, असं इतने कह रहे हैं जी साडा मुंडा जी अमेरिका कैनेडा, मुंडे नूं तां जाके पुछो वो किद्दां दी हालत विच रह रहा है, वह किद्दां उन्हें रोटी तक भी खाधी है कि नहीं खाधी हुई, आराम ना सो रहा कि नहीं सो रहा, इन शिफ्टां लगानियां पैंदियां, ठीक है, सो होके भरदे रहिंदे, मतलब कि वह मजबूरन उन्होंने काम करना पैंदा है, पर पेट ना भरदे हन, पर पेट भर पेट रोटी खा सकते ने, नहीं खा सकते क्योंकि उन्होंने शिफ्टां का डर हुंदा, साडी एक शिफ्ट निकल जानी है, दूसरी शिफ्ट मिल गई है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाण दा अपनी फैमिली नू पालन दा जिहड़ा है वह उन्होंने दिमाग में बस उही रहिंदा, ठीक है, किरती दी छाती ते हे मूंग पई दलदी है, किरती
मेहनती या कामे, किरती कामे, ठीक है, जेडे मेहनत करते ने। हुण छाती ते मूंग दलना की हुंदा आ, ये मुहावरा है, इहदा मतलब की है, तंग होना। जेडे किरती कामे ने ओ मेहनत करते ने, इन्नी ज्यादा मेहनत करते आ, फिर भी उन्होंने ओदे अकॉर्डिंगली उन्होंने मेहनत नहीं मिलती, फल नहीं मिलता, ठीक है। हुण तुसीं देखिया होगा कई लेबर्स ने, ओ जेडे कंस्ट्रक्शन का काम करते ने, वो बेचारे किन्नी धुप्प विच भी लगे रहिंदे ने ना, सर्दियां च भी लगे, असीं लोग तां चलो फिर भी एसी लगा लिया है ना, ब्लोअर लगा लिया, गड्डी विच भी जाने आपां गर्मियां च एसी लगा लैने आ, ब्लोअर लगा लैने आ, उन्हां बारे सोचो जिहड़े वो पैदल जाते हैं इन्नी इन्नी उपर उपर तक मंजिलां जिहड़ियां ने उत्थों उत्थों तक काम करते हैं, किन्नी धुप्प विच। तुहानूं कोई कहे 45 डिग्री टैंपरेचर ते तुसीं 5 मिनट भी इत्थे खड़े हो, तुसीं खड़े होंगे? बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे। स्कूल तो जाने एसी च बह जाने, उन्हां कोल एसी तक भी नहीं है, उन्होंने घर पखे भी नहीं होंगे, ठीक है। सो उन्होंने उन्होंने मेहनत के पैसे उन्हें नहीं मिलते जिन्ने कि उन्होंने मिलने चाहिए हैं। तो छाती से मूंग दलना की होंगे, उन्होंने तंग किया जाता है, दुखी होंगे ने, पर अपना दुख किसी के नाल साझा नहीं कर पाते। पर लोग देखियो उन्होंने इन्नी ज्यादा बीमारी नहीं होंगी जो साढ़े लोगों होंगी है। असं की करते हैं, नो डाउट एसी आप चलाने ना, सानू वधिया नींद आती रात को, पर साढ़े बहुत सारिया बीमारियां जड़िया ना वो एक रीजन एसी भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सानू आदत पै चुकी होंगी है, साडा शरीर गर्मी नहीं चल पाता, साड़ी इम्यूनिटी घट हो रही है अजकल लोगों की, अजकल लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, इम्यूनिटी घट हो रही है। तुसी जो भी कुछ खाते हो वह सारा कुछ मिलावटी है, ठीक है। मैं भी हाँ थोड़े विच शामिल, ये नहीं है मैं थोड़े नालों बाहर नहीं है कि कोई भी, राइट। जंक फूड खाने आपां किन्ना कुछ मिलावट वाला हुंदा है, सानू पता भी हुंदा है, असीं फिर भी खाने हैं, क्यों? एक जीव दा टेस्ट सारे ओही है ना, कुछ कुछ आपां खुद चीजा बनाईया हुई ने, कुछ चलो नैचुरली इदा दी चीजा बन चुकिया ने, है ना। पर लोग देखो, वह बच्चे कभी देखो तुसीं उन्होंने छोटे छोटे, ठीक है, उन्होंने की किया हों, सर्दियां आ जाए उन्होंने पैर के जुराबा तक नहीं पाई होंदिया। साढ़े बच्चे मौसम चेंज हो गया, असी की कहना इनू ची आ भी पवा दो, इन सॉक्स भी पवा दो, आ भी पवा दो। उन्होंने देखियो उन्होंने हले इन्नी कोई ठंड वगैरह नहीं लगती होगी, उन्होंने आदत पै चुकी होंगी, उन्होंने बॉडी इदा दी बन चुकी होंगी है ना। असी जिन्ना कवर करते रहने अपने बच्चों को, साढ़े बच्चे उन्ने बीमार होंगे क्योंकि आप उन्होंने बहुत ही ज्यादा नाजुक बना लिया होंगे, है ना। हुण साडी बॉडी की है एसी दी सानू हैबिट हो चुकी है, बत्ती चल जाती है तो साढ़े हाल बुरे हो जाते हैं, तो वह बेचारे देखो रुख की छां हेठा भी एन आराम ना रेंदे है, उन्हां दी लाइफ वधिया कि साडी लाइफ वधिया? उन्हां दी वधिया, नैचुरली उन्हां दी वधिया, सुकून उन्हां वास्ते आ, असीं तां बस वो कहण नूं कि जिंदगी दा आनंद लै रहे हां, पर आपां अपनी हैल्थ नूं ही खराब कर रहे हैं। रियलिटी है बेटा, ठीक है, चाहे तुसी भी मनते हो चाहे मैं भी मनती हाँ, पर फिर भी आप वही वाली लाइन से तुरना ही तुरना है, असं एसी लाना ही लाना है, रह ही नहीं सकते अस उस बिना, है ना। असि हम देखो घर बच्चे छोटे है, असं की करते हैं, मदर काम च लगी हुई है, बेटा ये ले तू ना फोन देख ले, तू यूट्यूब देख ला, रियलिटी है। ओ अपने बच्चों उन्होंने फोन तक का पता होंगे, उन्हों को तो खुद नहीं स्मार्टफोन होंगे, उन्होंने बच्चों की स्मार्टफोन देने, उन्होंने को सिंपल सिंपल फोन होंगे आ, आप खुद धक्का कि करते हैं अपने बच्चों, साढ़े बच्चों की आईसाइड वीक हो जाती है, वह बच्चे उन्होंने आईसाइड वीक नहीं होंगी। आप अपने बच्चे हर एक तरह की फैसिलिटी दें, चाहे उन्होंने एक हर एक तरह की फैसिलिटी नहीं मिली होंगी, पर हैल्थ पक्षों साढ़े बच्चों नालों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे ने, इम्यूनिटी स्ट्रोंग होंगी उन्होंने। ओके, बाकी बेटा आप कल करांगे।